हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश वासियों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोग बार बार सैनिटाइजर से अपने हाथ धोए। उन्होंने कहा कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन भी जरूर करें। लॉकडाउन के दौरान लोगों को अपने घरों में ही रहने की अपील भी की। ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का देश भर में असर देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन की मुहिम का पालना दूसरे देश भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता एक दूसरे से मिलने से परहेज करे। दूसरे देशों के मुकाबले में कोरोना वायरस से भारत में बचाव हो रहा है। चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लॉकडाउन के दौरान लोगों के घरों में रहने पर ही देश भर में कोरोना वायरस से बचाव हुआ है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि भारत की प्राचीन सभ्यता और जीवन शैली से ही कोरोना वायरस से भारत में बचाव हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस देश से ये वायरस फैला है वहां के लोग जानवरों के मांस को खाते थे, लेकिन भारत के लोग जानवरों के मांस से परहेज करते हैं, जिस कारण कोरोना वायरस से भारत का बचाव हुआ है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोग भारत के लोगों को देसी खान पान की शैली से ही सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण भी खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि लोग आने वाले समय में अपने आस पड़ोस में साफ सफाई का भी तरहीज देंगे। कि सब लोगों से अपील करूंगा कि अति सावधानी ही हमें बचा के रखा हुआ है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की अपील थी, लोगों ने अपने आप को घरों में कंटेन कर लिया, हाउसेस सब ने अपना लॉकडाउन कर लिया, उसी से हम बचे। इसमें कोई मेडिसिन का रोल नहीं है। मेडिसिन तो अभी कहीं आएगी, बाद में है, कितना लंबा समय लगता है। एक ऐसी तकलीफ थी जिसका 14 दिन तक तो पता ही नहीं लग रहा था। बहुत एहतियातन तौर पर साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करें, घर में जब जाएं तब भी, वापस घर से निकलें तब भी सैनिटाइज़र लगा के चलें, बाहर पब्लिक मिलने से अवॉइड करें, घर में भी आपस में बैठें तो 6-7 फुट का आपस में डिस्टेंस रख के बैठें, नज़दीक नहीं बैठें, और घर में भी बैठें तो मास्क लगा के बैठें। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जितना साबुन का ज़्यादा प्रयोग होगा उतने ही हम अपने आप को बचा के रखेंगे। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा एहतियातन तौर पे रहें, मैं समझता हूँ इसी से हम बचे हैं। और दूसरे कंट्रीज़ में जो हालत देखते हैं हम, हालांकि हिंदुस्तान में ऐसा अभी नहीं हुआ, पर जो अमेरिका का देखते हैं, स्पेन का देखते हैं हम, इटली में देखते हैं, फ्रांस में देखते हैं, इंग्लैंड में देखते हैं, ईरान में देखते हैं, चाइना में देखते हैं, उनको देखते हैं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। एक थ्योरी है मेरी, सुबह अमेरिका भी किसी दोस्त से बात हुई कि वहाँ हालात है, मैंने पूछा, उनका भी ये कहना था कि जहाँ 3 से 17 तक टेम्परेचर है वहाँ 90% उन कंट्रीज़ में कोरोना इफेक्टेड लोग हैं। और अफ्रीका वगैरह है, हमारा देश है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इनमें 10% भी नहीं है जो लोग बचे हैं। इतनी बड़ी संख्या दे के हमारे कुछ भी नहीं, 5,000 भी नहीं है, इससे कम है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहले अपील कर दी उसका बहुत रहा कि लोगों ने अपने आप को घरों में लॉकडाउन कर लिया, और उसका आज पूरा वर्ल्ड फॉलोअप कर रहा है। दूसरा, हमें इस बात का भी फायदा हुआ कि जो जिन्हें चेचक के टीके कहते हैं, शायद BGR कुछ कहते हैं, वो जो इंजेक्शन हमारे बचपन में लगते हैं बच्चों के, शुरू में कई चीज़ों के लगते हैं, ये नहीं होगा, उसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि आज हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसकी वजह से हम पे इसका कम इफेक्ट है और कंट्रीज़ की बजाय। दूसरा, हमारे यहाँ टेम्परेचर की बहुत हमें मदद मिली है 18 से ऊपर, क्योंकि हमारे आज भी मैं समझता हूँ 18 से लेके 33-34 तक चल रहा है, तो ये करके भी हम इससे बचे हुए हैं। पर जो अभी लोगों को फिर भी मेरा ये कहना है कि बहुत सावधानी से रहना चाहिए, बहुत हर वक्त केवल एक इलाज है कि हम डिस्टेंस रखें, सैनिटाइज का यूज़ करें, साबुन से हाथ धोएं और सफाई से रहें, ये मेरा सबसे कहना है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.